द ट्रायल नाम से एक वेब सीरीज आई है डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर, स्टारिंग काजोल इन लीड रोल, और जैसे कि इसका नाम है द ट्रायल यानी कि मुकदमा, सो ये पूरी सीरीज लो अर्दर और कोर्टरूम ड्रामा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बट क्या ये सीरीज इतनी अच्छी है कि इसे बिंज वॉच किया जाए? आई ये बात करते हैं। वेल सीरीज में है 8 एपिसोड और हर एपिसोड ऑलमोस्ट 40 मिनट का है, तो पूरी सीरीज खत्म करने में आपको लगभग 5 घंटे के करीब टाइम एपिसोड से पूरी की पूरी कहानी 5वें एपिसोड तक भटक जाती है। मैं केस को छोड़कर हमें अलग अलग केसेस दिखाए जाते हैं, कोर्टरूम ड्रामा चल रहा है लेकिन किसी और का ही में टॉपिक को हर एपिसोड में 3-4 मिनट के लिए आर्ट कर देते हैं कि ऑडियंस को लगे कि हाँ भाई कहानी तो कनेक्टेड है, लेकिन ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली दिस सीरीज वेस्ट योर टाइम। जैसा ट्रेलर में बताया जा रहा है ना भाई साहब कि अब बीवी अपने पति का केस हैंडल करेगी, आन अल सब रबिश है। ट्रेलर से हमको बस भटकाया जा रहा है आड नहीं, एल स्क्रीन प्ले राइटर ने स्टोरी को बहुत ज्यादा खींच दिया है। अब इसका फर्स्ट एपिसोड और फिर डायरेक्ट 5वां और फिर 7वां और फिर 8वां एपिसोड भी देख लोगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्टोरी समझ जाओगे। टाइम बचा रहा हूँ आपका बाकी आपकी मसी, और बीच में बार लगा कि साला मैं सीरीज देख रहा हूँ कि वन प्लस के फोन की एड, साला हर कैरेक्टर के पास वन प्लस का फोन है। नहीं, स्ट्रैटेजी अच्छी है फोन के एड करने की, पर इतना भी नहीं करना था कि सच में वो एड ही लगे। और इवन बात स्टोरी एपिसोड में 5वें एपिसोड में 6th में काजोल के दो किसेस है, तो हाँ बाकी तो आप समझदार हो ही। और मेरे ओपिनियन में कोर्टरूम ड्रामा पर बनी ये बहुत ही बिलो एवरेज सीरीज है जो लगातार अपनी कहानी से भटक जाती है, जिसके वजह से ऑडियंस रिटेंशन नहीं बन पाता। इसीलिए मेरे तरफ से इस पूरे सीरीज को 5 में से 2 स्टार्स मिलते हैं। अगले वीडियो में बाय।